गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू दैट ग्लैम गर्ल रचिता। सो गाइज, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड से ग्रे कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिसके साथ आपका मन करे, आपकी फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं सबके साथ उसे शेयर कर दीजिए। वो कमेंट डाउन बिलो गाइज, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं, तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कुछ कमेंट्स उसमें सेलेक्ट करूंगी और आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी। सो चलिए गाइज, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट इनटू द हॉल। टाइटल में देख ही लिया होगा कि मैं आपके साथ एक हॉल शेयर करने वाली हूँ। क्लोथिंग हॉल है वो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं जो हो सकते हैं आपको पसंद आए। अगर आप एज यूजुअल मेरे जैसे हैं तो आपको वो कपड़े पसंद आएंगे ही आएंगे और आप उनको बाई कर सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहला मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक ये टॉप है मेरा, ये ऑफ शोल्डर टॉप है, आप इसको ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हैं और इसको शोल्डर पर चढ़ाकर भी पहन सकते हैं। सो ये सारी शॉपिंग जो है वो मैंने की थी मिंत्रा से गाइस। मिंत्रा पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, तो अगर आपको देखना है तो फटाफट से आप चेकआउट कर लीजिए मिंत्रा को और बहुत अच्छे से, मतलब रीजनेबल प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टफ़ मिल जाएगा। सो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ना वैरायटी मिल जाती है। आपको पार्टी वेयर चाहिए, ऑफिस वेयर चाहिए, नॉर्मल वेयर चाहिए, या नॉर्मली आपको किसी ओकेजन पे जाना है, बर्थडे पार्टी पे जाना है, इवनिंग आउट पे जाना है, या ऐसे ही किसी डेट पे जाना है, तो भी सारे के सारे ओकेजन्स के लिए आपको वहां कपड़े मिल जाते हैं। सो गाइज, मैंने पहले वहां से लिए थे थोड़े से ब्लिंगी कपड़े थे पार्टी वेयर, तो अभी मैंने लिए हैं ऐसे ही थोड़े से यू नो इवनिंग डाइन आउट के लिए। तो एक ये टॉप है जो मैं आपको बता रही थी, ये एकदम पोलका डॉट्स वाला टॉप है, बहुत प्यारा टॉप है ये, और ये ऑफ शोल्डर है। ऑफ शोल्डर टॉप मुझे बहुत पसंद आते हैं, आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, और अगर आपको नहीं आती है फिटिंग तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करवा सकते हैं। मैंने जितने भी कपड़े लिए हैं गाइज, कुछ एस में लिए हैं स्मॉल में और कुछ मीडियम में लिए हैं, क्योंकि एस था नहीं तो मीडियम ले लिया। मैंने सोचा उसको ऑल्ट्रेशन करवा लूँगी, बट स्टिल ऑल्ट्रेशन अभी करवानी बाकी है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं हॉल शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से ऑल्ट्रेशन करवा लूँगी। सो ये है गाइस का फ्रंट पोलका डॉट्स वाला, और बैक भी इसका सेम ही है, पोलका डॉट्स लगे हुए हैं इस पे। तो सबका ट्रायल मैं आपको दिखाऊंगी किस टाइप से लगता है, कितनी लेंथ है इसकी। अभी तो लेंथ इसकी मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बट यस लेंथ पूरी दिखाऊंगी। नेक बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है, सब पे सूट करेगा गाइज, आपका कोई भी स्किन टोन हो सब पे ये जाने वाला है। ये जो पोलका डॉट्स वाला टॉप है, आप इसको इस टाइप से भी पहन सकते हैं, ऑफ शोल्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है और पीछे से भी ये सेम ही बैटर्न देता है आपको, तो इस टाइप से भी अगर आप कन्वीनियंट है तो इस टाइप से पहन सकते हैं, ऑफ शोल्डर कन्वीनियंट है तो आप उस टाइप से भी पहन सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको नेक्स्ट टॉप दिखा देती हूँ, जो कि है बहुत ही सुंदर से प्यारे से मस्टर्ड कलर में। एक ये है मेरा पास मस्टर्ड कलर का टॉप है, और ये मैंने लिया है गाइज आजियो से। तो बहुत सारे ऑफर लगे हुए हैं, आपको जहाँ से लेने का मन हो वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कौन सा टॉप कहाँ से लिया है। सो कोई मिंत्रा से लिया है, कोई अमेजोन से लिया है, कोई मीशो से ले लिया है, और कुछ आजियो से लिया है। तो ये आजियो का टॉप है जो मैंने लिया है, ये इस टाइप के मस्टर्ड कलर में है, ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है गाइज। तो आप इसको ऐसे ऑफिस वेयर में भी पहन सकते हैं, या नाइट आउट या डाइन आउट के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, फ्रेंड सर्किल में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा सा, मतलब ना कॉटन का है ये, तो अभी जब समर्स आएंगी तो आप इसको अच्छे से पहन सकते हो। यहाँ पे गाइस समर विंटर सब एक ही है, एक ही सीज़न रहता है, सो इसको मैं कभी भी पहन सकती हूँ। सो आप इसकी स्लीव्स देखिए, बहुत अच्छी हैं और प्योर एकदम कॉटन का है, इस टाइप की स्लीव्स हैं, थोड़ी सी नेट का वर्क हुआ है इसमें, और दोनों स्लीव्स दोनों साइड से फ्रंट और बैक ऐसी ही हैं। बैक इसका एकदम टोटल प्लेन है, और कलर इसका बहुत अच्छा है, नो डाउट ये थोड़ा सा लूज़ है क्योंकि ये साइज़ है एल। सो सॉरी गाइज, ये एल साइज़ है, क्योंकि एम में और एस में नहीं होगा, तभी मैंने नहीं लिया। तो ये है, इसका मुझे ऑल्ट्रेशन कराना है, बट मैं ट्रायल लेके आपको दिखा दूंगी जैसे ना जैसे एडजस्ट करके, और उसके बाद इसको मैं फिटिंग करवा लूंगी और अपने साइज़ का करवा लूंगी। सो पहला आता है ये, जो कि बहुत ही प्यारे कलर में है।
सो गाइज नेक्स्ट टॉप जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो रेड कलर का है और बहुत प्यारा है। इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें आपको कोई किसी भी टाइप की स्लीव्स की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा ना ऐसे घेर वाला नारकली टाइप्स का इसमें डिज़ाइन है, तो इसके साथ आप कुछ लैश या कुछ थ्रेड बांध सकते हो। बहुत ही अच्छा फिटिंग देता है ये गाइज। अगर ये आपको थोड़ा सा लूज भी है ना तो भी आप इसमें थ्रेड बांध दोगे तो ये आपको बहुत अच्छी फिटिंग देगा। सो बैक इसका एकदम प्लेन है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। स्लीव्स इसकी लॉन्ग स्लीव्स हैं, फुल हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट कलर है। इसमें फ़ोटोज़ तो मतलब ऑसम आती हैं। और ये भी ना प्योर कॉटन का है और इसका मैंने साइज़ लिया है एस, तो मुझे ये लकीली एस में मिल गया है और ये मैंने लिया है मिंत्रा से। तो इसको मैं आपको ट्रायल करके दिखाऊंगी, मतलब ये वाला एस भी मुझे थोड़ा सा मतलब लूज़ है बट स्टिल मैं इसका ट्रायल लेके आपको दिखाऊंगी। तो मैंने इसमें थ्रेड लगाया है और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्लासी लुक दे रहा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ एक ब्लू कलर का टॉप। सो गाइज एक ये है ब्लू कलर का टॉप, इसमें ऊपर थ्रेड लगा हुआ है, वाइट कॉम्बिनेशन में है ये और मतलब पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं। यहाँ पे इसमें इस टाइप से काम हुआ है, उसमें नीचे से थोड़ा स्टार्ट होता है और ये भी प्योर कॉटन का है। फ्रंट इसका ऐसा है, इसकी भी एकदम फुल स्लीव्स हैं, तो आप इसको किसी भी वेदर में पहन सकते हो। कॉटन गाइज आप किसी भी वेदर में पहन सकते हो, अगर विंटर्स हैं तो इसके ऊपर आप अपना पुलोवर डाल सकते हो और अगर समर्स हैं तो ये ज़्यादा सूट करता है आपकी स्किन पे, मतलब सभी की स्किन पे गाइज कॉटन तो सूट करता ही करता है। सो ये मुझे एस में मिला है स्मॉल साइज में, बट स्टिल ये भी थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको भी थ्रेड के साथ टाई अप करूँगी और फिर इसका ट्रायल आपको दिखाऊँगी। सो गाइज मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा मेरे जो अभी तक मैंने 3 टॉप्स आपको दिखाए हैं, तो उसके ट्रायल आपको कैसे लगे हैं। होप कि आपको ट्रायल पसंद आए होंगे। अभी मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा वाला पीस है, मतलब लिटरली प्यारा वाला पीस है। वो है एकदम वाइट, मतलब वाइट क्या होता है ना, एकदम वाइट ब्यूटी होती है, वाइट प्रिंसेस होती है, उसके पहन के आप प्रिंसेस लगते हैं। बट वाइट के साथ एक ही ड्रॉबैक होता है, आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, धोने के लिए आपको केयरफुली धोना पड़ता है, आप मशीन में उसको डाल नहीं सकते क्योंकि उसमें थोड़ा सा नेट का काम हुआ है। तो चलिए गाइज मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही ज्यादा प्यारा वाला पीस आपको दिखा देती हूँ, जो कि है वाइट में इस ट्रेंड, जो कि है एकदम वाइट में। तो देख सकते हैं इस पे भी थोड़ा सा ना नेट का काम हुआ है, कैमरा इसकी ब्यूटी को कैच कर ले होप फुली, बट आई डोंट थिंक सो कि कैच कर पा रहा, कहीं कहीं कैच कर रहा, कहीं कहीं नहीं कर रहा, बट स्टिल हो सकता है ट्रायल में ये अच्छा दिखे। तो नेट आप इसकी देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप की नेट है इसकी, और फ्रंट बैक इसी टाइप का है, सेम ही है, बैक एकदम प्लेन है। और ये भी मैंने लिया है स्मॉल, मतलब एस साइज़ का है ये और बहुत प्यारा है ये, तो इसको भी मैं पहन के दिखा देती हूँ। और बहुत ही हैंडल विद केयर है क्योंकि ये गंदा हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है धोने में। सो चलिए गाइज इन सब का ट्रायल ऑन देख लेते हैं कि ट्रायल ऑन कैसा है। Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.
सो गाइज कैसा लगा आपको मेरा क्लॉथिंग हॉल मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो जल्दी से मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आईडी है मेरा ग्लैम गर्ल रचिता। सो चलिए गाइज चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नई वीडियो के साथ, नए हॉल के साथ, और बहुत ही अच्छे नए नए कलेक्शन के साथ। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।